हाई गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में अगेन शेयर करने वाली हूँ एक होम यूटिलिटी हॉल, आप बोल सकते हो, बिकॉज मैंने काफी सारी चीजें अपने काम की और घर की मंगवाई हैं। मिक्स्ड हॉल है ये। सो यस, विदाउट फर्दर डू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो ये जितनी भी शॉपिंग मैंने करी है, आई बॉट ऑल दीस थिंग्स फ्रॉम मीशो। जिन लोगों को नहीं पता है मीशो क्या है, मैं पूरा डिटेल में उनको बताऊंगी, बट पहले हम स्टार्ट करते हैं हॉल्स। सो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये पेपर नैपकिन किचन टॉल स्टैंड, आप बोल सकते हो। काफी ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में मुझे मिला है, मैंने काफी सारी चीजें बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मंगवाई है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट, मेटल का है, काफी स्टर्डी है। सो हमारा जो पहले वाला घर था उसमें जो टिश्यू पेपर बोल रही हूँ मैं, जो पेपर नैपकिन है, किचन टॉल्स है, उसका जो स्टैंड था वो ऊपर हैंग करने वाला था, बट यहाँ पर इस तरह का रिक्वायरमेंट नहीं है। सो आई वॉन्टेड जो प्लेटफॉर्म पे रख सको, तो ये इस तरह से यहाँ पर पेपर नैपकिन आ जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा होल्डर दिया हुआ है, सो दैट आपका नैपकिन जो है ना वो खुल करके ऐसे बाहर बिखरे ना, ये इस तरह से इसमें होल्ड रहता है, एंड यू कैन जस्ट यूज लाइक दिस, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड प्रोडक्ट, मैंने मंगवाया है ये क्यूट सा ग्लास बॉटल। सो एक्चुअली मैं थोड़े दिन पहले अभी होम सेंटर गई थी एंड आई सॉ द सेम बॉटल, काफी ज्यादा मैंने कॉस्टली प्राइस में देखा था। जैसे ही मैंने इसको मीशो पे देखा, आई गॉट सो एक्साइटेड एंड आई थॉट कि चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। तो ये किस तरह से काम करता है मैं आपको बताती हूँ। ये ग्लास का बॉटल है, ये तीन तरह के शेप्स में आता है। एक तो ये ब्रश स्टाइल में आता है, इस तरह से आप सीजनिंग वगैरह कर सकते हैं इसके साथ। एक आता है स्पून के शेप में और एक आता है हनी वगैरह लेने के लिए, आप इससे भी हनी वगैरह ले सकते हैं। तो इसमें आप जैसे आपका जो भी ऑयल है या घी है या हनी है या आप जो भी सीजनिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं वो निकाल के अलग से रख लीजिए, बिकॉज इतनी बड़ी बॉटल में ऑयल, हमारा ऑयल डिस्पेंसर थोड़े अलग तरीके के होते हैं, तो आप उसमें जब पराठा वगैरह बनाते हो या ब्रेड पे कुछ लगाना रहता है या जो भी आप बना रहे होते हो उस पे लगाने में काफी दिक्कत आती है ना, तो ये आप इसको यहाँ पर फिल कर दीजिए। यहाँ से ये इस तरह से ओपन होता है एंड यू जस्ट हैव टू ट्विस्ट इट, पराठा वगैरह में लगाना है वो लगा दीजिए। काफी अच्छी क्वालिटी है, एयर टाइट है, तो ये यहाँ पर ऐसे पैक हो जाता है लाइक दिस। तो ये रखने में भी काफी सुंदर लगता है, मैंने ऐसे और दो और मंगवाने का प्लान कर रही हूँ, सो दैट वो तीन का सेट हो जाए, एक में घी रखूंगी, एक में ऑयल रखूंगी, एक में हनी रखूंगी, ऐसा मैंने सोचा है। मैं जिस को चेक कर रही थी कि ये वैसी क्वालिटी का आता है कि नहीं, तो दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग, काफी अच्छी क्वालिटी में आया है। उसके बाद मैंने इस तरह के सोप डिस्पेंसर बॉटल्स मंगवाए हैं, ये दो के सेट में आए थे, एक ये सेट है और एक और दूसरा सेट है। तो एक मैंने किचन में रखने के लिए मंगवाया है और अभी यहाँ पर दो बाथरूम्स हैं, तो एक दूसरे बाथरूम में रखने के लिए मंगवाया है। सो काफी क्यूट है, काफी एस्थेटिक से लग रहे हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट एंड काफी अफोर्डेबल रेंज में मुझे मिल गए थे, जो मार्केट रेंज में मिलता है उससे। कमिंग टू द थर्ड प्रोडक्ट, मैंने मंगवाया है ये टैप में लगाने का सेट। एक तो मैंने ये मंगवाया है और साथ में जो सोप रखने का सेट आता है, मैं यहाँ पे पिक्चर डाल दूंगी, बिकॉज मैं ये सब कुछ यूज करने लगी थी, कुछ बॉटल्स छोड़ करके मैंने, बाकी मैं काफी सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी यूज करने लगी हूँ। जैसे ये सोप डिस्पेंसर आप देख रहे हैं, इसके अंदर मैंने ऑलरेडी सोप फिल कर दिया था, तो मैंने काफी सारी चीजें यूज करने लगी थी, तो इसको भी मैं यूज करने लगी हूँ। और वो जो जिसमें सोप रखने का है कॉर्नर वाला, उसमें सोप रखा हुआ है, तो वो काफी गंदा हो रहा है, इसको मैं निकाल नहीं सकती हूँ, सोप टपकेगा हर जगह, मैं पिक्चर डाल दूंगी। सो बेसिकली क्या है, आप इसको अपने टैप पे लगा लीजिए, ये जो सेक्शन है ना, यहाँ से पानी आएगा, एक रे में पानी आएगा, जैसे आता है एक फ्लो में पानी आएगा, एंड जब आप इसको यहाँ ट्विस्ट कर देंगे तो पूरा यहाँ से पानी आता है इन अ शार स्टाइल में, जैसे शार वगैरह में नहीं आता है वैसा पानी आता है ये। सो दैट आपको सब्जियां वगैरह धोना है या वॉश करना है, इन सब चीजों के लिए काफी सही है ये। तो मैं ज्यादातर यही वाला पोर्शन यूज करती हूँ शार शेप में, बिकॉज मुझे यूजली सब्जियां धोना होता है या बर्तन में अगर कुछ धोना होता है तो अच्छे से पानी डिस्ट्रीब्यूट होकर के आता है। सो दिस इज रियली गुड, मुझे काफी पसंद आया ये। सो आई रियली लाइक दिस होल कॉम्बो सेट, काफी यूजफुल चीज है ये, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलती है। इवन दीज, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, दीज आर द मस्ट हैव थिंग्स, ये आपके डेली लाइफ को काफी इजी एंड ऑर्गेनाइज बना देती हैं। सो ये है नेक्स्ट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है वो है इस तरह के ग्लास जार्स, मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, इनका शेप मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था, बिकॉज ये काफी लंबे हैं और आप, मेरा ये मन था आप चाहें तो स्पाइसेस भी रख सकते हैं, बट जब वो स्पाइसेस यहाँ नीचे खत्म होने लगेंगे सो यू नीड दैट लंबा वाला स्पून, तो मैंने स्पाइसेस वाला फंडा तो नहीं रखा, बिकॉज मेरे स्पाइसेस के ऑलरेडी काफी सारे ग्लास जार्स मेरे पास है। सो आई वॉन्टेड इट फॉर ऐसे ड्राई फ्रूट्स के लिए, मुझे चाहिए थे कि वो दिखने में भी सुंदर लगे एंड ऐसे करके, तो मैंने इनमें ड्राई फ्रूट्स रख रखे हैं। ये 8 का सेट मेरे पास आया था, इसकी जो पैकेजिंग थी उसके साथ मैं थोड़ी डिसअपॉइंटेड, रीजन बिहाइंड दैट इज बिकॉज जैसे ही मैंने ओपन किया ना, तो ये क्या था, ये रैप्ड था, जो कुशन वाला पेपर होता है ना उसमें ये रैप्ड अच्छे से आए थे, बट जो एक था वो मुझे दिखा भी नहीं कि वो टूटा हुआ है, तो जैसे ही मैंने उसको ऐसे करके उठाया, मेरे पूरे घर में ग्लासेस
ऐसे बिखरे हुए पड़े थे छोटे छोटे बारीक बारीक, सो दैट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग. और एक घंटा मुझे उसको पूरा क्लीन करने में लगा क्योंकि वो इतने छोटे छोटे पीसेज में और टूट गए थे जब मैंने उसको उठाया. तो मुझे उसको लिटरली क्लीन करने में, पोछा लगाने में, क्योंकि डर लगता है छोटे छोटे ग्लासेस भी छूट गए तो पैर में घुस गया वो, तो वो एक अलग ही पंगा. तो पैकेजिंग में थोड़ी मुझे डिसअपॉइंटिंग है कि थोड़ा अच्छा और पैकेजिंग होना चाहिए जब आप ग्लास की चीजें सेंड कर रहे हो. अदरवाइज क्वालिटी बहुत अच्छी है, मुझे ये बहुत पसंद आया, काफी क्यूट भी लगे एंड हाँ मार्केट प्राइस से काफी सस्ते प्राइस भी मुझे मिले हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट बॉटल्स मैंने मंगवाए हैं अगेन गोल्डन शेप में ही, गोल्डन कलर के इसमें मंगवाए हैं एंड दिस इज इन 400 ml के साइज में है ये. सो ये भी काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, ट्रांसपेरेंट है एंड बिल्कुल राउंड शेप के मैंने मंगवाए हैं कुछ भी जैसे चाय पत्ती नमक और ये सब रखने के लिए. एंड मेरा जो पूरा स्पाइसेस वाला कलेक्शन है वो सिल्वर कलर के कैप वाला है, सो दैट्स व्हाई मुझे गोल्डन कलर का ही कैप चाहिए था, मुझे ब्लैक नहीं चाहिए था. सो दैट मैं थोड़ा वो जब आप किचन टूर आएगा तो आपको दिखेगा कि मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है. सो यस, मैंने ये मंगवाया, ये 6 का सेट आया था और ये जो पतला वाला है ये 8 का सेट आया था. जितने भी आए ये एज इट इज थे, इनमें कुछ टूटा फूटा कुछ भी नहीं था, तो ये पैकेजिंग इसकी काफी अच्छी थी. सो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट. नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने कुछ वॉल डेकोर के लिए चीजें मंगवाई हैं. ये फ्रेम्स मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रही थी, सो आई ऑर्डर्ड दीज फ्रेम्स. ये 4 का सेट है तो यहाँ पर ऐसे कोट्स वगैरह लिखा हुआ है, मतलब वर्क स्पेस मेकओवर में मैं डेफिनेटली इनको यूज करने वाली हूँ. यहाँ पर तो नहीं बैठा वर्क स्पेस के लिए यूज करूंगी, सो या तो ये विक्की के वर्क स्पेस में यूज हो जाएगा या फिर मेरे वर्क स्पेस में यूज जाएगा. थोड़ा लगा था कि इसके ऊपर या तो ग्लास, तो खैर इतने सस्ते में ग्लास तो नहीं होगा, बट मुझे लगा था कुछ प्लास्टिक टाइप का फिल्म जरूर होगा, बट इसमें ना प्लास्टिक फिल्म है ना कुछ है, नॉर्मल एक बस वो दिया हुआ है. तो मतलब आई डोंट नो इसमें हम फ्रेम्स चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कि अगर मुझे कुछ अपना पेंट करके लगाना है तो मैं कर सकती हूँ कि नहीं, उसके लिए आई एम नॉट श्योर. बट हाँ, काफी अच्छी पैकेजिंग में आया था, काफी कलरफुल ब्राइट से हैं, सो आपके वर्क स्पेस स्टडी एरिया वहां पर आप लगा सकते हैं, काफी सुंदर लगेंगे, काफी मोटिवेशनल कोड्स है काफी सारे. सो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट एंड हाँ काफी अफोर्डेबल रेंज में मिले थे ये. कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये मैंने अपने आई थिंक पहले वाले से पहले वाला हॉल है उसमें मैंने वुडन की दो चीजें शेयर करी थी, अगर वो आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा. सो ये है नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये मैंने राउंड टेबल मंगवाया है फोल्डिंग वाला, मुझे राउंड स्पेसिफिकली चाहिए था. क्यों चाहिए था वो आगे आपके वीडियोज में पता चल जाएगा. सो मुझे राउंड टेबल चाहिए था, काफी अच्छी क्वालिटी है, बहुत सही है ये फोल्डिंग वाले, तो मतलब बहुत ही इंप्रेसिव है कि आपको जब यूज नहीं करना तो आप ऐसे करके इनको हैंग कर दो, आप इसमें बैठ सकते हो, इसमें खड़े हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो वो थोड़ी सी क्वालिटी में मुझे डाउट है थोड़ा सा, बट हाँ इसमें आप बैठ आराम से सकते हो, आप एज अ फ्लोर सिटिंग में आप एज अ सेंटर टेबल की तरह इसको यूज कर सकते हो, आप प्लांट्स रख सकते हो, बहुत सारी चीजें आप इसके साथ कर सकते हो. सो मैंने मंगवाया हुआ है ये नेक्स्ट प्रोडक्ट. उसके बाद जो लास्ट प्रोडक्ट मैं बताने वाली हूँ वो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट अभी तक जितने भी मैंने मीशो का हॉल शेयर किया है उसमें से. तो मैंने मंगवाए हैं ये सिटिंग स्टूल्स, एक उसी के ऊपर बैठी हुई हूँ और ये है दूसरा स्टूल. सो अमेजिंग क्वालिटी, कॉस्ट वाइज बहुत अच्छे हैं और बहुत ही ज़्यादा सही लगे मुझे यहाँ, मतलब एंड काफ़ी थोड़ी सी फिनिशिंग में दिक्कत है जैसे कि आप देख सकते हैं ये थ्रेड निकला हुआ है, बट ये अंदर साइड है, बाहर साइड भी अगर आप देखेंगे तो हल्की सी मतलब माइनर सी दिक्कत है. मतलब हमने बैम्बू का सामान जिस तरह का होता है ना, बैम्बू वगैरह का सामान हमने पहले भी परचेस किया है शॉप से, तो उनमें ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं बिकॉज ये हैंडमेड होते हैं ना. सो बट आई रियली लाइक द क्वालिटी, बहुत स्टर्डी है, विक्की भी इस पर बैठता है, मैं भी इस पर बैठती हूँ, बहुत मज़ा आता है अपनों को ये. सो आई एम सून गोइंग टू शो यू कि मैं क्या करने वाली हूँ, क्या हो रहा है, किस लिए मैंने ये मंगवाए हैं. 2 का सेटिंग है और मैं एक और मंगवाने वाली हूँ जल्दी ही. सो यस, ये था मेरा आज का सारा हॉल, ये सारी मैंने शॉपिंग करी है. नाउ अब आते हैं मीशो के ऊपर. जिनको नहीं पता है ना मीशो क्या है, तो मीशो एक ऑनलाइन रीसेलिंग ऐप है जिसमें आप खुद तो शॉपिंग कर सकते हैं, मैंने साथ ही साथ आप इसमें अपना बिजनेस भी कर सकते हैं. 0 इन्वेस्टमेंट है, आपको कुछ भी चीज़ें खरीद करके अपने घर में गोडाउन नहीं बनाना है. आप सिर्फ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, गो थ्रू करिए क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह का कलेक्शन है, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं. अब इसमें आपको कैसे प्रॉफिट होगा उसके बारे में बात करते हैं. सपोज कोई प्रोडक्ट है 300 रुपये का, आप उसमें अपना मार्जिन ऐड कर सकते हैं. सपोज 50 रुपीज़ कर लीजिए, 100 रुपीज़ कर लीजिए, 80 रुपीज़ कर लीजिए, जो भी आपने मार्जिन ऐड किया है वो मार्जिन ऐड करिए. वो जो मार्जिन है जो 80 रुपीज़ या 100 रुपीज़ आपने ऐड किया, दैट इज योर प्रॉफिट मार्जिन, और वो आपको मिलता है, वो आपका प्रॉफिट मार्जिन है. इस तरह से आप अर्निंग्स करते हैं. एंड या दैट्स इट फॉर माय वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय.